में हो जाती है। लेकिन अब हम भी किसी अधिकारी कर्मचारी को परीक्षा में नहीं डाल सकते क्योंकि राज्य में नहीं है। वो बेचारा कल हमारी वजह से अगर कोई मुसीबत में आ जाए तो फिर हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं थोड़ी सी दूरी बना के रखा हुआ हूं अभी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय का ये पहिया है, ये घूमेगा। ये दौर था 15 सालों के अंदर, आप सब लोग जानते हैं, खूब काम कराया आपने। मैंने कहा यार मैंने तो जहां जन्मा हूं वहीं पे 3000 वोट मेरे खिलाफ चले गए भाई। मैं तो जहां का हूं, जहां जन्म लिया है, मेरा खुद के गांव में 3000 वोट मेरे खिलाफ पड़ गए, तो इससे बड़ी तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो ये तो मन का है, हो सकता है कि कई लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा नहीं उतर पाया हूं, हो सकता है कुछ लोग ज्यादा भी उम्मीद पाल लेते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो युवा विकास मंच का जो गठन है, ये जिस उद्देश्य के साथ किया गया, एक सुलझे हुए हमारे बचपन के साथी को उसकी कमान सौंपी गई और अब उनकी जो यादें हैं, उनका जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए दो युवा साथियों को जिम्मेदारी दी है। एक तो अपने गांव का बच्चा है अरुण चार और एक नवलगढ़ का युवा साथी है मिथुन सबल। इन दोनों युवा साथियों से कहूंगा कि आप कार्यकारिणी का विस्तार करो भाई, और अपन चुनाव आ रहे हैं, जिंदगी नहीं आ रहे हैं, लोगों के काम और सेवा के अंदर न तो कमी पहले आने दी है न आगे आने दूंगा। आज मैं मेरे साथी की पुण्यतिथि के ऊपर ये संकल्प आपके सामने दोहराता हूं। आज सुबह से भी जैसे अभी सुरेश कह रहा था कि खून की कमी किसी की नहीं आनी चाहिए, मांडासी के 2 पेशेंट थे, रात को सीकर से भी 3 बजे तक हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करवा रहे थे। रक्त की व्यवस्था जितनी बन सकती है उतनी वैसे ही काम चालू है अस्पताल के अंदर। SMS में जो 10 लड़के काम कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, पिछले 20 साल से वो सेवा दे रहे हैं। बस मैं तो यही चाहता हूं कि हमारा ये जो स्टेडियम जिन ऊंचाइयों को छूना चाहिए, पूरे जिले के बच्चे यहाँ पे खेलने आने चाहिए। ये जो हॉस्टल बना है, ये छात्रावास इसलिए बनाया गया है कि डिफेंस एकेडमी यहाँ पे चालू हो, ताकि जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो पुलिस में जाना चाहते हैं और उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 1-1 लाख रुपए नहीं है उनके पास डिफेंस एकेडमी में जमा कराने के लिए, उन बच्चों को नॉमिनल फीस के अंदर यहां सुविधा मिले, ऐसा मेरा मैंने सपना देखा था। अभी जो बजट स्वीकृत हुआ है वो तो काम चल रहा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर हमारा ये स्टेडियम ये उसी भव्यता को बनाए रखे और यहाँ पे जो खेल के जो गतिविधियां हैं वो जल्दी शुरू हो, 2 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, जब भी हो शुरू हो जाए, ताकि इसका बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो। डिफेंस एकेडमी यहाँ चलेगी, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट यहाँ पे होंगे। ये रामचंद्र जी जाखड़ भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा था कि एक बड़ा वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट, मैं सरवन हम लोग सारे बैठे थे, बहुत पहले की बात है जब इसकी नींव रखी गई थी, तो इन्होंने 2 कोर्ट सुझाए थे कि 1 कोर्ट नहीं 2 कोर्ट बनने चाहिए वॉलीबॉल के, दोनों रामचंद्र जी वैसा प्रस्तावित है और उसका बजट सब स्वीकृत है। बैडमिंटन, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट चाहे राजस्थान में पहला गांव होगा ग्रामीण स्तर के ऊपर जो यहां पर बनकर तैयार हो गए, पहला गांव पूरे राजस्थान ग्रामीण लेवल।
इंडोर बैडमिंटन स्टोर। तो वॉलीबॉल के भी दो यहाँ पे कोर्ट बनने हैं, रहने की कोचेज की अलग से व्यवस्था करी है और दो टीमें, चार टीमें, छह टीमें, आठ टीमों तक आराम से इसमें रह सकती है। ये सारा हमारा स्टेडियम में है। आप सब लोग हमारे साथी को सदा सुमन अर्पित करने के लिए आए, आप सबका धन्यवाद है। जैसे मैंने सीएमएस साहब से कहा कि आप ये बताइए, कोई संस्था अगर अपने किसी कार्यकर्ता या कोई ऐसा बेटा अपने माता पिता की याद में अगर कोई अस्पताल को कोई चीज डोनेट करना चाहता है या रोगियों को फल वितरण करना चाहता है तो फिर उसमें कौन सी परमिशन चाहिए? तो उन्होंने कहा कि साहब आप सब समझते हो, मैं आप सीएम हो तो वैसे ले रहे नहीं क्योंकि मेरे लगाए हुए हो, तो मेरे लगाए हुए तो कोई रख रहे नहीं, सारा सब लगाएंगे आपको। तो वो बेचारे परेशान हो गए, मैंने कहा वैसे ही आप लोगों को तो हटाएंगे, इनका बस चलेगा तो, क्योंकि अभी लिस्ट बनी हुई बता रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोशिश ये करो कि जो दूर बैठे उनको घर पे लाओ भाई। सीएससी हमारी परशुरामपुरा की बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और जैसा सुरेश ने बताया कि इच्छा थी इन सबकी कि उसमें जांचें जो सरकार की तरफ से फ्री मिली हुई है, दवाइयां हैं, उनकी सारी व्यवस्था अस्पताल